क्या हाल चाल टेक्निक फैमिली, होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। जैसे कि हमको पता है चाइना ऑलवेज किसी नए इनोवेशन में रहता है, नई नई चीजें मार्केट में बड़ी अतरंगी अतरंगी आइटम से निकालता रहता है। तो लास्ट कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था हैमर में भी, जैसे एक स्क्रीन वाला एयरपॉड्स टाइप बड्स आए थे, उसके बाद JBL एंड मच मोर कंपनीज, लोकल कंपनीज ने सब ने निकाल दिया था उसी टाइप का। तो इसी टाइप का एक नई आइटम जो मार्केट में निकली है 2500 रुपए में चाइना की तरफ से, वो है कैरिंग ट्रेजर करके। ये एयरपॉड्स स्टाइल एकदम बड्स हैं, वो भी इंक्लूडिंग पावर बैंक एंड अ बिग स्क्रीन, बिग 2.8 एमोलेड स्क्रीन। लेट्स सी इसके अंदर क्या निकलने वाला है दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। देखने में तो बड़ा मजेदार सा कुछ लग रहा है, तो खोलते हैं इसको आप लोगों के साथ और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो बॉक्स में सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा कैरिंग ट्रेजर करके, जो इसका नाम है 2.8 एमोलेड स्क्रीन है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ये पावर बैंक स्टाइल बड्स हैं, ऊपर यहाँ बड्स के उस पर ओपन होगा ऐसा कुछ दिखा रखा है। ANC दोनों है, एनवायरमेंटल भी है और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी है दोस्तों, ऐसा इसमें बता रखा है। मल्टीमीडिया गेम टीर ब्लूएस फ्लैश लाइट भी रहने वाली है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को सेम वही मिल जाएगा जो नीचे की तरफ दे रखा था। राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे भी सिमिलर वही कुछ चार फीचर्स हैं जिनको दिखा रखा है। पीछे की तरफ कुछ एक लाइट इमरजेंसी म्यूज़िक पोर्टेबल गेम प्ले, वही फीचर्स को रिपीट कर रखा है स्क्रीन के फॉर्म में। तो खोलते हैं बॉक्स को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का ये यूनिट निकल जाता है, इसको करते हैं साइड में और एक ये प्लास्टिक ट्रे मिलेगी जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एक ये हमें यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, ये डुअल केबल मिल जाएगी आईफोन प्लस सी टाइप दोनों पिन के साथ, एक साइड मिलेगी USB-A। तो करते हैं दोस्तों इसको स्टार्ट यूनिट को और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसा रहने वाला है इसका यूज़र एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहने वाला है इसका यूज़र एक्सपीरियंस। हाथ में पीछे की तरफ देखें तो कुछ एक मॉडल की डिटेल दी गई हैं एंड दैट्स इट, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। बैटरी कैपेसिटी हो गई, हेडसेट इनपुट हो गया, मॉडल नंबर हो गया एंड हाउ टू यूज़ कि मतलब हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी एक पावर बैंक के पीछे आपको देखने को मिलती हैं वही सब हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ एक ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों का ये स्टिकर चिपका हुआ है जिसमें इसमें दिखा रखा है कि लेफ़्ट राइट दोनों की बैटरी परसेंटेज दिखा रखे हैं, टाइमिंग एंड सिंपली जो इसका वॉलपेपर रहेगा इसका एक टेम्पलेट यहाँ पे चिपका दिया गया है, दैट्स इट। बट काफ़ी हैवी है दोस्तों, ये उठा के कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है। देखते हैं कितने ग्राम का है, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 300-400 ग्राम का तो कम से कम होगा। तो देखते हैं कितने ग्राम का रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ रहने वाला है 215 ग्राम का, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो स्टिल आई वॉज नॉट दैट क्लोज, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, बट 215 ग्राम का ही रहने वाला है एंड स्टिल हाथ में ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है। दोस्तों ऐसा कुछ रहने वाला है इसका यूज़र एक्सपीरियंस। आप लोग देख पाएँ तो काफ़ी काफ़ी बेहतरीन से इसके डिस्प्ले लग रही है। मुझे जैसा लग रहा था 2500 रुपये के हिसाब से कि पावर बैंक भी दे दिया, बड्स भी दे दिए ANC वाले, तो बहुत क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी, बट नहीं दोस्तों क्वालिटी ठीक ठाक अच्छी दी गई है। 2.8 एमोलेड डिस्प्ले है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कोई माइनर हल्का फुल्का लैग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कोई लैग नहीं है डिस्प्ले में कि यह लैग आ रहा है। म्यूज़िक कंट्रोल यहीं से दिया गया है, कैलकुलेटर यहीं पे आप लोगों को दिया गया है, इक्वलाइजर यहीं से आप लोग म्यूज़िक के टाइम पे नॉर्मल फॉर्म रॉक पॉप क्लासिक कुछ भी सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको करके देखेंगे कितना यूज़फुल है कितना नहीं। कैमरा शटर दोस्तों यहीं पे मिल जाएगा, कैमरा वीडियो यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं दोस्तों, वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन आप लोगों को इसके अंदर ही मिल जाएगा एंड काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि जस्ट घूम रहे जैसे अभी पहले भी हमने देखा था वॉलपेपर्स में, कई बार लगाने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि बहुत टाइम लगाता है, बट ऐसा नहीं है। फ्लैशलाइट देखें तो यहीं से फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और बात करें इसमें तो ब्राइटनेस का ऑप्शन आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, इंग्लिश है या व्हाटएवर लैंग्वेज किसी में भी आप चाहते हों। तो इसके अंदर आप लोगों को हेडफोन मिल जाएगा, मोड ANC है या फिर आप लोगों का कोई और मोड है तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी के लिए ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यस, यहीं पे आपको ऐप के डाउनलोड के लिए QR कोड मिल जाएगा, जिसमें एक चीज़ और एक कैच और दोस्तों कि ये आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये आप लोगों का .apk के फॉर्म में डाउनलोड होगा एंड्रॉयड के अंदर, तो उसको आपको फर्दर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें भी आपको एक कंसेंट मांगेगा कि दिस कैन बी हार्मफुल, तो वो आपको बढ़ते हुए आगे
आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेट्रिस गेम मिल जाएगी, 2048 गेम मिल जाएगी, से एक और गेम मिल जाएगी हिट द गॉफर करके, आई डोंट नो, मैंने कभी खेली नहीं है ये। तो इस टाइप की दो तीन आप लोगों को इसके अंदर गेम मिल जाएगी। डायरेक्ट वेदर आप लोग यहाँ से इससे एक्सेस कर सकते हैं, आपके फ़ोन के थ्रू ये एक्सेस हो जाएगा जब आप कनेक्ट करेंगे। तो ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों, ऑन ऑफ के लिए, रीस्टार्ट के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, इतनी ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हैं। जस्ट 18 इसमें जो हैं बटन दिए गए हैं, 18 जो हैं टच बटन्स दिए गए हैं टू यूज़। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि जस्ट एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे चलता है इसका, कोई प्ले स्टोर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप डायरेक्ट एक्सेसिबल या डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, इसकी ऐप में क्या रहने वाला है वो हम लोग कनेक्ट करके ज़रूर देखेंगे, और हाँ, उससे पहले इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम लोग साउंड सुनते हैं, क्या वो वर्थ है कि नहीं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, बात करें इसके साउंड की तो ये काफ़ी ठीक है, साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक रहने वाला है। सेंसर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कॉलिंग अच्छे से हो पा रही है, कॉलिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जो सेंसर से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि वॉल्यूम सेंसर की बात करें तो अगर आप इस पे देख पाएँ तो ये काम कर रहा है, और वो भी ऐसा है कि दोनों साइड से काम कर रहा है। अगर मैं इधर साइड से यूज़ करूँ इसको तो भी वो चल रहा है ठीक ठाक। और सिमिलरली अगर कोई सॉन्ग स्टार्ट या प्ले करना है या पॉज करना है तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ से ऑप्शन है टच सेंसर का, कॉल कट का भी यहीं से आप लोग ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों। तो बात करें इसके साउंड की तो ये साउंड काफ़ी अच्छा है, बेस ठीक है। कंपैरेटिवली जो हम लोगों ने पहले इस अनबॉक्स करे थे छोटे वाले, उससे मच बेटर है। एंड 2500 के प्राइस में इतना सब कुछ देना, प्लस इसका साउंड भी अच्छा होना, नॉइस कैंसिलेशन काम कर रहा है दोस्तों, तो वो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी ऐप के अंदर क्या रहेगा। जो हम लोगों ने पेयर किया तो इसकी ऐप के अंदर भी हम लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिली, जो कि एक शॉर्टकट एक्सेस है, आप डायरेक्ट वहीं से एक्सेस करके चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कुछ रहने वाला है उसके अंदर। दोस्तों, ये रहने वाली है इसकी ऐप जॉय ऑडियो करके, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट का आपको ऑप्शन रहेगा स्कैन के लिए, तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट एक यहाँ पे इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ये कोड पेयरिंग का आ जाएगा, यहीं से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पर आप लोगों को बैटरी परसेंटेज चेक करने को मिल जाएगी, केस की परसेंटेज चेक करने को मिल जाएगी, ANC फ्री कॉल एंड एनवायरमेंटल आप यहीं से सेट कर सकते हैं, किस मोड में चलाना है, रोक मोड, पोप मोड, क्लासिक और नॉर्मल, वो भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को अगर जैसे लेफ्ट, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और आप लोगों को लेफ्ट वाला ढूंढना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला इस टाइप से ब्लिंक करेगा। बहुत बहुत हल्की सी आवाज़ है, साउंड बहुत हल्का सा है इसका जो, बट यस, एक रूम में अगर आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एक शांति वाले रूम में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली बात करें यहाँ पे केस की, तो यहाँ पे आप लोगों को वॉलपेपर मिल जाएगा देखने को, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और वॉलपेपर आप लोग इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि हाँ, अपना मैनुअल वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वॉलपेपर में गया, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिग, यहाँ पे जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करके टेक अ पिक्चर, या फिर आप लोगों को अपनी लाइब्रेरी से उठाना है, कहाँ से भी करना है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ से ये किया, इसको क्लिक किया और क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ गया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर राइट क्लिक कर देना है एंड नीचे जाके आप लोगों को कर देना है डन पे क्लिक। तो यहाँ पे वॉलपेपर लोड होगा और आप लोगों का वॉलपेपर यहाँ सेट हो जाएगा। तो ये भी बड़ी एक सही सी चीज़ है दोस्तों। देख तो दोस्तों, जो वॉलपेपर हम लोगों ने सेट किया था वो इस टाइप से यहाँ पे आ गया। तो आप किसी भी तरह का मैनुअली वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। बैटरी टाइपिंग एट अकॉर्डिंग टू कंपनी, इसकी बैटरी 2 से 2.5 घंटे चल जाती है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये चलती है कि नहीं चलती। इसके बारे में ज़रूर एक अलग से हम लोग शॉर्ट ज़रूर बनाएंगे कि यूज़ करने के बाद कि ये चली कि नहीं चली, बट यस, कंपनी दावा करती है 2 से 3 घंटे का विद दिस 2.8 AMOLED डिस्प्ले एंड 8000 का ये MAH का ये पावर बैंक है, जिसको नीचे की तरफ USB से आउटपुट का ऑप्शन दे रखा है। USB 2 आप जो भी अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। इसकी चार्जिंग जो होगी वो टाइप सी से होगी,
तो 2500 रुपये के ये डिस्प्ले वाले बड्स 2.8 एमोलेड वाले विद पावर बैंक आप लोगों को कैसे लगे, ज़रूर हम लोगों के साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। या इसी टाइप के किसी और प्रोडक्ट के या इसके बारे में कुछ और आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ज़रूर हम लोगों के साथ कमेंट्स में जुड़िए। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इसी टाइप की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि ये कैसी हैं, कैसी नहीं, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इसी टाइप के और कंटेंट के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।